हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू हैड अ ग्रेट डे। तो आइए डिस्कस करते हैं कल जो मैंने आपको ट्रेड दी थी उन्होंने आज कैसे परफॉर्म किया है। तो कल जो मैंने आपको पहली ट्रेड दी थी वो थी बीडीएल। बीडीएल में मैंने आपको बताया था जब एक ब्रेकआउट आएगा उसके बाद हमें एक रीटेस्ट चाहिए होगा। रीटेस्ट के बाद जब एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल आएगी तो इसमें हम एंट्री लेंगे 311 पे। तो रीटेस्ट तो हो गया आज बीडीएल के अंदर, लेकिन एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल नहीं आई तो इसके अंदर हम आज ट्रेड ले नहीं पाए। दूसरी ट्रेड मैंने आपको दी थी कैपली पॉइंट, इसने आज बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। इसकी मैंने आपको बाय प्राइस दी थी कल, जो मैंने आपको दी थी 472 पे दी थी और आज का इसका हाई है 482, 10 रुपए ऊपर। तो ये अच्छा इसने आज परफॉर्म किया। थर्ड ट्रेड मैंने आपको दी थी जीएसपीएल, इसने तो आज लिटरली आउट परफॉर्म किया फ्रेंड्स। ये ट्रेड मैं पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से रेगुलरली दे रहा हूँ और इसमें जनरली नेक्स्ट डे अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, गैप अप खुलता है, लेकिन एक बड़े मूव की वेट थी जो हमें फाइनली आज मिला। इसका मैं बड़े दिनों से टेक प्रॉफिट 199-200 दे रहा हूँ। कल भी मैंने इसका बाय 192 पे दिया था और इसका आज का हाई है 198.25। तो इसने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इनफैक्ट जो कल ट्रेड्स हैं उनमें एक जीएसपीए लिया है। तो आइए देखते हैं कल और कौन कौन सी ट्रेड्स हैं जिनमें हम कल एंट्री ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो चार्ट है ये डाबर का चार्ट है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लो, फिर यहाँ देख सकते हैं हम हायर हाई हायर लोज। तो ये हायर हाईज एंड हायर लोज बना रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन में आ गया है। तो आइए इसके अंदर हम सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। चार्ट को पूरा इसमें हम पहले जूम आउट कर लेंगे तो हम देखते हैं इसकी जो सपोर्ट है वो कहाँ पे है। इसकी सपोर्ट आएगी समवेयर अराउंड 503 और इसकी रेजिस्टेंस है समवेयर अराउंड 517। इसको और रिफाइन कर लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम में चल के, जो आवरली टाइम फ्रेम है। अब आवरली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि सपोर्ट की कैसे रिस्पेक्ट हुई है। बार बार प्राइस ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास आ रहा है लेकिन इसको एक बार भी ब्रीच नहीं हुआ। यहाँ पे जरा सा एक फॉल्स ब्रेकआउट आया और प्राइस ऊपर जा रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं लोज आर प्रोग्रेसिंग अपवर्ड्स। इसमें एक लाइन और लगा देते हैं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी हमें। अगर हम यहाँ पे एक लाइन लगा दें तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर कल एक अच्छा चांस है हमें ब्रेकआउट मिलने का। तो कल हमारा डाबर के अंदर जो बाइंग प्राइस होगा वो होगा 509.6, यहाँ पे होगा हमारा बाय 509.6 इस पॉइंट पे अराउंड। यहाँ पे आ गया तो हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगी, ब्रेकआउट आ गया। ब्रेकआउट से पहले हम कंसोलिडेशन भी देख सकते हैं और इसमें हमारा जो टेक प्रॉफिट होगा वो 516-517 होगा और इसमें जो स्टॉप लॉस हम लेंगे वो लेंगे 499। ये एक राउंड नंबर के नीचे भी जाता है 500 के और ये सपोर्ट के नीचे भी है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छी ट्रेड है। तो आइए देखते हैं कल के लिए हमारी नेक्स्ट ट्रेड कौन सी है। तो फ्रेंड्स, ये जीएसपीएल का 15 मिनट का चार्ट है। इसके अंदर मैंने सेम 185 की सपोर्ट और 200 की रेजिस्टेंस लगा रखी है। सेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो पिछले मैंने 6-7 वीडियो में लगाई हुई है। इसके अंदर हमने काफी ट्रेड्स करी हैं। तो ये जो आप देख रहे हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, कल वाले वीडियो में मैंने आपको एक बॉक्स दिखाया था कि जब यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो आप बाय करोगे 192 पे और टेक प्रॉफिट मैंने आपको 199-200 बताया था। आज इसका हाई है 198.25। अभी वापस जरा सा इसमें पुल बैक आया है बट अभी भी है ये अप ट्रेंड में। तो जब तक फ्रेंड्स ट्रेंड चलता रहेगा हम उसके साथ ट्रेड्स लेते रहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं नया अप ट्रेंड शुरू हो गया है, हायर हाईज एंड हायर लोज बन रहे हैं यहाँ पे। इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी कल एंट्री होगी वो इसके अंदर हमारी एंट्री होगी जब हम जो बाय करेंगे 195.60 पे बाय करेंगे अराउंड यहाँ पे, जब ये इस बियरिश एनगल्फिंग कैंडल को भी इसको भी क्रॉस कर देगा। उसके बाद इसके अंदर हमारा जो टेक प्रॉफिट होगा वो अगेन 199-200 होगा और इसमें हमारा स्टॉप लॉस होगा 190। अब हम बहुत बड़ा स्टॉप नहीं लेंगे क्योंकि अगर प्राइस 190 आ जाता है, ये जो कैंडल है यहाँ पे आप देख सकते हो ये 9:15 की कैंडल है, इस कैंडल के नीचे इसका जो लो है वो है 190.25। अगर इसके नीचे प्राइस आ जाता है तो मे बी कि ये ट्रेंड नहीं है और ये वापस नीचे जा रहा है सपोर्ट की तरफ, तो हम बहुत बड़ा स्टॉप नहीं रखना चाहेंगे। तो हमारे इसमें स्टॉप होगा 190 का। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कल के लिए हमारी नेक्स्ट ट्रेड कौन सी है। तो फ्रेंड्स, ये कैपली पॉइंट का आवरली चार्ट है। इसके अंदर कल भी हमने यही ट्रेड हमने देखी थी। यहाँ पे हमारा बाय था आज के लिए 472 और इसका आज का हाई है 482। अभी भी ये वैलिड ट्रेड है, इसमें काफी पोटेंशियल है ऊपर जाने का। इसके अंदर अगर हम एक लाइन और लगा दें देखने के लिए कि इसकी रेजिस्टेंस और कहां कहां पर है, तो अगर हम इस पॉइंट से यहां पे ये लाइन लगा देते हैं तो हम इसमें बड़ा क्लियर देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि इस लाइन को प्राइस ब्रेक नहीं कर पाया, इसने बहुत बार ट्राई करी, फाइनली यहां ब्रेकआउट आया। यहां आप देख सकते हैं कि रीटेस्ट भी आ गया, रीटेस्ट के बाद बुलिश एंगल्फिंग कैंडल भी आ गई जिसके ऊपर कल मैंने आपको ट्रेड दी थी 472 के बाय पे।
तो ये कॉन्फर्मेशन हो जाती है कि ये एक वैलिड ट्रेड है, ये ऊपर जाना शुरू हो गई है, क्योंकि रीटेस्ट भी हो चुका है, सपोर्ट के भी ऊपर है प्राइस, तो ये काफी अच्छे साइन होते हैं। तो फ्रेंड्स कल इसके अंदर जो हमारा बाय होगा वो होगा अराउंड 482.60 पे, इन सारे हाईस के ऊपर। ये जो कैंडल है इसका हाई है 482, तो 482.60 पे हम बाय करेंगे कंफर्मेशन के लिए कि प्राइस अब ऊपर जा रहा है, तो ये सारे हाईस को निकाल देगा 482.60। इसमें हमारा टेक प्रॉफिट होगा 498, 499, और इसमें हम स्टॉप लॉस लेंगे 456। अब हम बहुत बड़ा स्टॉप नहीं लेंगे, क्योंकि इस स्विंग लो के नीचे अगर हम अपना स्टॉप लेते हैं वो बहुत बड़ा स्टॉप हो जाएगा। हम स्टॉप सपोर्ट के नीचे ले लेंगे, 456 हमारा एक अच्छा सपोर्ट है। तो फ्रेंड्स ये भी एक बहुत अच्छी ट्रेड है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई ट्रेड्स के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड टेक केयर।